नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो अपना छूट गया है, तो उसको आगे अपन फर्दर डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था बेटा जी कि अपना क्या टॉपिक चल रहा था। बेसिकली अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, कार्बोकैटायन के बारे में, जो एक क्रियाशील मध्यवर्ती होता है, उसकी मैं आपको कहानी पढ़ा रहा था। अब मैं कहानी को आगे आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। बहुत ही मजा आने वाला भाई, क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ध्यान से पढ़िएगा भाई। बहुत ही मजेदार है टॉपिक और गजब टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्रियाशील मध्यवर्ती से एक जरूर टिप्पणी आती है इनके ऊपर। तो अपना बेटा जी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कार्ब एनाइन, अपन कार्बोकैटायन चल रहा था, सॉरी मैंने कार्ब एनाइन याद हो गया, तो सॉरी मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। कार्ब एनाइन की संरचना पढ़ा रहा था मैं आपको, किसकी, कार्बोकैटायन की। ठीक है बेटा जी, ध्यान देना भाई, क्या चल रहा था अपना टॉपिक, कार्बोकैटायन, कार्ब धनाइन चल रहा था अपना, कार्ब धनाइन, क्या चल रहा था बेटा जी, कार्ब धनाइन। ठीक है जी, ओके जी, बहुत बढ़िया, कार्बोकैटायन, कार्ब धनाइन, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर क्या हो रहा था, बेसिकली कार्बेनाइन की अपनी चल रही थी स्टोरी। स्टोरी के अंदर मैंने बताया था इसके अंदर क्या क्या होते, इसकी मैंने संरचना बताई थी, इसकी संरचना चल रही थी अपनी, क्या चल रही थी, संरचना, संरचना चल रही थी, संरचना। ठीक है जनाब, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है। तो क्या होती स्ट्रक्चर बेटा जनाब, क्या होती बेटा इसकी स्ट्रक्चर, त्रिकोणीय समतली होती है, त्रिकोणीय समतल, ये मैंने आपको कल बता दिया था, ट्राइगोनल प्लेन, अगर आपने कंप्लीट लेक्चर देखा है तो। इसको बोलते हैं टीपी स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको ऐसी बताई थी जनाब, ऐसे बताई थी। देखो बेटा जी, इधर ध्यान देना, यहाँ पे ऐसे बोन, ये ऐसे, यहाँ पे आर था बेटा, यहाँ पे आर था बेटा, और यहाँ पे आर, और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कितना बंद कोण था, 120 डिग्री, और संकरण बताया था इसे, संकरण, संकरण कौन सा था बेटा, संकरण बताया था जनाब, sp3 था, sp2, सॉरी क्या था, sp2। ठीक है बेटा, ठीक है जी, अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, इसके अंदर ही टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, क्या स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कार्बेनाइन का स्थायित्व, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, कार्ब धनायन का स्थायित्व, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा, स्टेबिलिटी, लिखो बेटा स्टेबिलिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा जी, अब ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, यानी स्टेबिलिटी कार्बेनाइनीकरण स्टेबिलिटी कैसे होती है, क्यों होती है, सबसे अधिक कार्बोकैटायन कौन सा होता है, सबसे कम कौन सा होता है। ठीक है जी बेटा जी, अगर आपके पास कौन कौन से, अगर आपके पास ये वाले प्रभाव आ जाए, कौन कौन से प्रभाव, अगर आपके पास प्लस आई हो, क्या हो, प्लस आई हो, और क्या आएगा बेटा, प्लस एच हो और प्लस आर। ठीक है बेटा, ये किसी को समझ में नहीं आ रही, सर ये प्लस आई क्या होता है, प्लस एच क्या होता है सर, और प्लस आर ये होता है बेटा प्रेणिक प्रभाव, प्रेणिक प्रभाव क्या होता है बेटा, प्रेणिक प्रभाव ये होता है बेटा अतिसंयुग्मन, अतिसंयुग्मन, अतिसंयुग्मन। ठीक है बेटा, ओके जी सर, और यहां पे होता है अनुनाद, क्या होता है जनाब, अनुनाद। ठीक है जी, अगर ये आ जाए, ये वाले प्रभाव अगर लग रहे हैं वहां पे, तो उसका स्थायित्व सबसे अधिक होगा, उसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, यानी कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगी। अगर वहां पे प्लस आई काम कर रहा है, प्लस एच काम कर रहा है, वहां पे प्लस आर कर रहा है, तो इसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ बेटा, कार्बोकैटायन की सबसे अधिक स्थायित्व किसका होगा, 3 डिग्री को, अगर सबसे अधिक, यानी एल्किल समूह, यानी किसी भी ग्रुप में सबसे अधिक एल्किल समूह जुड़े होते हो, तो वो सबसे अधिक क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि वहां पे प्लस आई ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है जनाब, अगर जहां पे कॉन्जुगेशन होगा, यानी अनुनाद होगा, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन होगी, वहां पे क्या होगा बेटा जी,
वहां पे क्या होगा, अनुनाद होगा। अगर ज्यादा किसी की अनुनादी संरचना ज्यादा बन रही है तो ज्यादा क्या होगा, मोर स्टेबल हो, ज्यादा स्थायित्व होगा। ठीक है बेटा, इसकी स्क्रीनशॉट लो बेटा। इससे कैसे, तो स्टेबिलिटी के अंदर आपको क्या देखना है, स्थायित्व के अंदर आपको देखना है बेटा जी कौन सा ज्यादा स्थायित्व होता है। ठीक है बेटा जी, ओके जी सर, ठीक है जी, ध्यान देना भाई, इंपोर्टेंट है बात ही। ठीक है बेटा, ठीक है जी। तो बेटा जी आपके समझ में आ गया होगा इतना सारा खेल। ठीक है जी, आप देखो बेटा जी, अपना टॉपिक ये चलेगा कार्बनाइन का स्थायित्व। तो कल का लेक्चर को मैंने रिकॉल किया था, जिससे आपको पिछले लेक्चर में क्या सिखाया और आपने क्या सीखा अपने को समझना है। रट्टा तो है ही नहीं केमिस्ट्री को। ठीक है बेटा जी, अब इधर देखो बेटा जी, अपने को समझना ज्यादा है। ठीक है जी, इधर देखो, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है जी, इधर ध्यान दो, आप तो ध्यान व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए बेटा। ठीक है जी, और नोट्स मेरे साथ बनाते जाइएगा साथ साथ। अब देखो बेटा जी, अपना टॉपिक वही था कार्बन धनायन का स्थायित्व, कार्बनायन का स्थायित्व। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है बेटा जी, बहुत बढ़िया जी। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कौन कौन से, मैंने लिख दिया यहां पे CH3, CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहां पे लिख दिया, मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, उदाहरण लिया हूं मैं, उदाहरण उदाहरण। ठीक है बेटा, ये उदाहरण है मेरा CH3, मैंने ले लिया CH2, और यहां पे ले लिया मैंने बेटा, यहां पे ले लिया CH, यहां पे CH3, और यहां पे CH3। ठीक है बेटा जी, यहां पे लगा दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। अब अगला ले रहा हूं CH3, CH3, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट में मैंने लगा दिया CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब आपको बताना है बेटा जी यहाँ पे क्या बताना है, बताओ सबसे अधिक स्थायित्व किसका होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करो, कौन सबसे अधिक स्टेबल होगा यहाँ पे बताओ जी। देखा कौन बताएगा सबसे पहले, बताओ जी, इसमें सबसे अधिक स्थायित्व तो कौन सा होगा बताओ बेटा जी। इसमें देखो जनाब, मैंने क्या बोला, सबसे अधिक प्लस आई किसमें होगा, यहां पे एक प्लस आई है, यहां पे देखो सभी, यहां पे कितना है, एक प्लस आई, और यहां पे कितने प्लस आई जुड़ रहे हैं, एक, और यहां पे क्या है बेटा जी, इसके अंदर इसको उठा दो एक बार, इसको ऐसे कैसे, यहां पे ऐसे कैसे, यहां पे तो एक ही है। अब बताओ बेटा जी, अब आपको बताना है बेटा जी सबसे अधिक मोर स्टेबल कौन सा, सबसे अधिक स्थायित्व तो कौन सा हुआ। इसको बोलते हैं 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 2 डिग्री, अगर किसी को डिग्री नहीं है तो मैं भी बता रहा हूं डिग्री क्या होती है, 3 डिग्री। ये है 1 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राथमिक कार्बोकैटायन। अभी फटा होगा कितने कार्बोकैटायन, प्राथमिक कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा, ये कौन सा है बेटा, द्वितीयक, द्वितीयक कार्बोकैटायन, द्वितीय कार्बोकैटायन। ठीक है जनाब, और बेटा ये क्या है, तृतीयक कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा जी, इसको क्या बोलते हैं, मैथिल कार्बोकैटायन, मैथिल कार्बोकैटायन, आप लिख लेना यहां पे मैथिल कार्बोकैटायन, दिख रहा होगा ना आपको, मैं लिख देता हूं यहां पे साफ साफ इसको, मैथिल कार्बोकैटाइन। ठीक है बेटा जी, ओके सर। यहां पे देखो जी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, यहां पे देखो प्लस आई एक काम कर रहा है, यहां पे कितने प्लस आई काम कर रहे हैं, यहां पे दो है प्लस आई, कितने यहां पे दो है प्लस आई, कितने यहां पे दो है यहां पे प्लस आई, और यहां पे कितने प्लस आई है बेटा,
यहाँ पे कितने आए, प्लस आई कितने यहाँ पे, तीन है, कितने हैं तीन। तो सबसे अधिक कैलोरी समूह कहाँ पे जुड़ रहे हैं, देखो सभी को दिख रहा है प्यारी प्यारी आंखों से, प्यारी प्यारी आंखों से देखना मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, एक दो तीन, कितने जुड़ रहे हैं एल्किल समूह, तीन एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं बेटा, तीन एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, ठीक है जी बेटा जी, एक दो तीन। तो सबसे अधिक स्टेबल ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है, वहां पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये वाला इसको ऐसे खींचेगा, ठीक है बेटा, ये वाला खींचेगा और ये वाला ऐसे खींचेगा, ठीक है जी बेटा जी, इसमें क्या करेगा, ये वाला खींचेगा और ये वाला खींचेगा ऐसे, और इसमें ये खींचेगा, ठीक है जी, यानी इसको ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, जो प्लस आई होते हैं इलेक्ट्रोड डोनेट करते हैं, क्या करते हैं इनोड, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह होते हैं सारे, और जो माइनस आई वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो किसी को प्रतिकर्षित करते हैं। तो सबसे अधिक कौन सा इस टाइप का होगा बेटा, कौन सा कार्बोकैटायन होगा, 3 डिग्री वाला होगा, फिर कौन सा होगा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर लास्ट में कौन सा आएगा बेटा CH3, ठीक है जी बेटा जी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये आ गया इस तत्व का क्रम, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा, उतार लो बेटा, BSc में इतना ही लेवल है, MSc में इससे थोड़ा हाई लेवल है, और IIT JEE में तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं यहाँ से जनाब, जो आपके पास तस्वीर बन के आ रही है वो 3 डिग्री सबसे अधिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर CH3। तो इतना उतारो बेटा जी, आपको क्या लिखना है बेटा जी, अगर आपको दिख रहा है अगर सबसे अधिक एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, तो सबसे अधिक क्या होगा, वो मोर स्टेबल होगा, सबसे अधिक स्थायित्व होगा, यानी सबसे अधिक उसको ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है, उतारो बेटा जी ऐसे की ऐसे उतारो बेटा, उतार लो जी बेटा। अब मैं एक रेजोनेंस के ऊपर कराता हूं, अनुनाद के ऊपर क्वेश्चन, उदाहरण एक और कराता हूं, उतारो बेटा इसको ऐसे कैसे, छाप लो, छाप लो बेटा इसको ऐसे के, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, स्क्रीन शूट ले लो बेटा, ठीक है जी, स्क्रीन शूट लो बेटा, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है जी बेटा, ओके सर, ठीक है जी। अब देखो बेटा इसको मैं मिटा रहा हूं, अब अनुनाद के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, आप इधर ध्यान देना बस आपको, इधर उदाहरण देखते हैं, नेक्स्ट उदाहरण, ठीक है बेटा जी, इधर ले उदाहरण, नेक्स्ट उदाहरण ले रहा हूं, उदाहरण उदाहरण ले रहा, नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है बेटा जी, मेरे पास एग्जांपल क्या है बेटा, मैंने एग्जांपल लिया, मेरे पास एग्जांपल था बेटा यहां पे CH3, यहां पे डबल बॉन्ड CH2 और CH2, ठीक है, मेरे पास एग्जांपल है ये वाला, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा जी, और मेरे पास एक एग्जांपल और ले लिया मैंने बेटा ऐसे, और यहाँ पे था CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये दिख नहीं रहा होगा मुझे ऐसे लग रहा है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा जी। अब इसको क्या करना है बेटा जी, अब सबसे अधिक ये वाला इधर करेगा रेजोनेंस, अनुनाद करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक बढ़िया कौन सा है यहाँ पे, सबसे अधिक कौन सा यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस है, इसमें कितना 1 2 3, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है 1 ही पाई बॉन्ड है, तो सबसे अधिक रेजोनेंस किसमें होगा, अनुनाद इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला डिलोकलाइजेशन करता है, इसमें कितने अनुनादी संरचना, इसमें चार अनुनादी संरचना बनती है, आप 12th क्लास में बना के आए होंगे, चार अनुनादी संरचनाएं, सबसे अधिक अनुनादी संरचनाएं वो ज्यादा स्टेबल होगा, चार अनुनादी संरचनाएं बनेंगी बेटा इसमें, ठीक है बेटा, और इसमें कितनी बनेगी, दो अनुनादी संरचनाएं, दो अनुनादी संरचनाएं, दो अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, ठीक है बेटा। जो सबसे अधिक, सबसे अधिक कहां पे, सबसे अधिक है तो ये क्या होगा, सबसे अधिक स्थायित्व होगा, तो सबसे अधिक ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, ठीक है बेटा जी, उतार लो, यानी जिसमें ज्यादा, जिसमें क्या होगी, अनुनादी संरचनाएं ज्यादा होंगी, अनुनादी संरचनाएं ज्यादा होंगी, ज्यादा होंगी, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, उसकी स्थायित्व तो क्या होगा, ज्यादा होगा, उतार लो बेटा, इस लाइन को भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये लाइन बता रहा बेटा, बहुत ही जहां पे अनुनादी संरचनाएं, जहां पे अनुनादी संरचनाएं ज्यादा होंगी उसकी स्टेबिलिटी यानी उसका स्थायित्व सबसे अधिक होता है बेटा। इंपॉर्टेंट लाइन है, फैक्ट लाइन है, उतारो इसको ऐसे कैसे, यानी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेगी वो ज्यादा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है बेटा जी, ठीक है जी मेरे प्यारे शेर और शेर, समझ में आ गया होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है जी, प्लस का चार्ज बोलते यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा इसको। ठीक है जी, उतारो इसको, उतार लिया होगा सभी ने बेटा, तो बेटा समझ में आ गया आज का खेल। ठीक है जी, अगर समझ में आ गया तो अब मैं आपको रिएक्शन समझाता हूँ बेटा। ठीक है जी, उतारो बेटा इसको ऐसे की ऐसे, छाप लो बेटा, छाप लिया होगा, स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। अब देखो बेटा इधर ध्यान दो आप सभी, आप देखो कार्बोकैटायन का निर्माण करते हैं अपन, क्या करते हैं कार्बोकैटायन का निर्माण। ठीक है बेटा, लिखो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आप कॉपी में टाइटल के अंदर लिखिएगा बेटा, कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन, कार्बोकैटायन का निर्माण, ऐसे की ऐसे एग्जाम में करके आओगे, 7 नंबर में आता है क्वेश्चन, कार्बोकैटायन का निर्माण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इजी होती है इंग्लिश, बहुत इजी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा जी, ओके जी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, पहले इसमें मैं रिएक्शन कराता हूं, इसमें दो रिएक्शन है बेटा, दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें, ए और दूसरी है जनाब, वैसे दो ही कर लेते हैं, दो ही अपनी बीएससी में। ठीक है जी, बीएससी के हिसाब से लेंगे अपन, पहली है इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एल्केन के साथ अभिक्रिया। ठीक है जी बेटा जी, ओके, यानी एल्केन के साथ क्या होता है, इंग्लिश से क्या बोले, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्केन, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्केन। ठीक है बेटा, अब मैं समझाता हूं आपको रिएक्शन, क्या समझाऊंगा बेटा, रिएक्शन। दूसरी क्या होती है बेटा, नाभिक स्नेही, उतारो बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, लिखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन, का एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है जी, तो इसको क्या बोलेंगे इसे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है जी, अब मैं आपको रिएक्शन देता हूं, पहली वाली रिएक्शन, मेरे पास एल्किल ली, मैंने कोई सिमेट्रिक एल्किल ली, सममित एल्किल ली, ठीक है, ये तो एल्किन होती है, डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या होती है बेटा, एल्किन होती है, इतना उतारो सभी, पहले दिख रहा है क्या, हाँ सभी को दिख रहा है, बहुत बढ़िया सर, तो ये बेटा एल्किन है, क्या है एल्किन, यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, एक लेके आता हूँ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या लिखते हैं बेटा, ई पॉजिटिव, ठीक है सर, और न्यूक्लियोफाइल क्या लिखते हैं, एनियो नेगेटिव। ठीक है जी, अब ये वाला क्या होगा, ये वाला जाना है पाई इलेक्ट्रॉन, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी बेटा जी, क्यों होता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण, क्यों होता है बेटा, इधर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट क्यों होता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण। तो इसकी जो आपके पास तस्वीर बने, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और डेल्टा नेगेटिव चार्ज।
अब आपस में इंटरेक्शन कराना है, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, और पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, और माइनस का जाएगा प्लस के पास, और प्लस का जाएगा माइनस के पास। ठीक है जी, तो ये जनाब ये तो इसके पास जाएगा और जनाब ये इसके पास जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक एक समझा दो, पहले इसका समझाता हूँ इंटरेक्शन, इसका समझा देता हूँ आपको आराम आराम से। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऐसे 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 कर, जो करते हो उतार दो, और जो आपके पास तस्वीर है, पहली तस्वीर तो ऐसे बनेगी बेटा E। अब बेटा क्या लेके आएंगे अपन, अब लेके आऊंगा मैं न्यूक्लियोफाइल, क्या लेके आऊंगा न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और जो तस्वीर बनेगी ये बनेगी ऐसे की ऐसे, ये वाले, और यहाँ पे क्या आएगा एन यू आएगा, और बेटा ई चमका नहीं चमका चमकारे बेटा, ये वाला बन गया ऐसे। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच रहा है ना बेटा भी, तो ठीक है जी उतारो बेटा ऐसे की ऐसे, उतारो बेटा ऐसे कैसे, मैं देख लेता हूँ एक बार दिख रहा है क्या सर नीचे, नहीं दिख रहा तो अपने कैमरे को घुमा देते हैं भाई, दिख रहा है अब कैमरे को मैंने सही कर दिया है, अब दिख रहा है बेटा, उतार लो बेटा इसको ऐसे की ऐसे। देखो बेटा जी यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या देते, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, अब ये प्लस का माइनस का, ये वाला इसके साथ इंटरेक्शन, ये वाला इसके साथ करे तो ऐसे बन गया। अब यहाँ पे पहले मैंने कार्बो का टायर बना दिया, फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बन गया। ठीक है बेटा उतार लो ऐसे की ऐसे। ठीक है जी, और सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो लेक्चर को देख लेना बेटा, फिर अपन आगे एक रिएक्शन और समझा देते हैं बेटा, ये वाले नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। ठीक है जी, बी नंबर की रिएक्शन मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, ओके सर, बी नंबर की रिएक्शन मैं आपको समझाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा तीन देर में, बी नंबर की रिएक्शन समझाता हूँ आपको, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन एल्किलाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, उसको बिठा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा ऐसे कैसे, आप देखो बेटा जी, अब मैं कैमरे को भी सही कर लेता हूं, अब बी वाली रिएक्शन समझा रहा हूं आपको, बी वाली रिएक्शन मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना जी भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बी, देखो अब ये मैं आपको समझाता हूं जनाब, देखो इधर ये वाली रिएक्शन किसका, उदाहरण समझाता हूं, उदाहरण से आपके बहुत बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पे उदाहरण देखो बेटा, उदाहरण समझाने जा रहा हूं इस रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एल्किलाइड, ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन का एल्किलाइड के साथ अभिक्रिया। तो बेटा जी मैं एल्किलाइड आप जानते हो RX होता है सर, बहुत बढ़िया एल्किलाइड के RX, इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से करा दूं एक्वस AQ, जलेविलियन लेता हूं KOH, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब यहां पे इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये क्या काम करता है, इसको बॉन्ड ब्रेक कर दे, रिस्पांस बन कर, तो यहां पे क्या जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और ये बन रहा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये किसका काम करेगा, ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, किसका काम करता है बेटा न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है जी बेटा जी, अब इसको ऐसे की ऐसे जोड़ दो बेटा, तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से क्या बनेगा, इसको बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से क्या निकल, KX तो बाहर निकल गया बेटा, और यहां पे क्या बचा बेटा, KX बाहर हो गया, यहां पे बचा R पॉजिटिव, अब इसकी R पॉजिटिव की रिएक्शन किससे कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे OH, तो ये वाला इसके साथ इंटरेक्शन कर लेगा और मेरे पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा ROH, उतार लो बेटा आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कार्बो का अटैक बना, R प्लस और OH अटैक कर दिया, देन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल था नाभिक स्नेह अटैक करता है यहाँ पे वापस। ठीक है बेटा उतारो ऐसे कैसे, बहुत सुंदर, जो आपके पास तस्वीर बन के आ रही है वो ROH की बनेगी, उतारो बेटा इतना सभी, पहले तो समझ में आ गया बेटा इतना, ओके सर उतारो बेटा इतना। ठीक है बेटा, ये था अपना कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होता है, अब अपन आगे कल फड़ेंगे बेटा जी, इसके आगे कल फड़ेंगे, तो मैंने आपको आज क्या क्या फड़ाया बेसिकली, तो मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर में, आपको रिकॉल करते हैं लेक्चर के अंदर, तो अभी तक अपन ने क्या क्या फड़ाया बेटा जी, अपन ने फड़ाया कार्बोकैटायन का सामान्य परिचय, फिर मैंने फड़ाया आपको उसकी संरचना, और फिर क्या फड़ाई बेटा मैंने उसका स्थायित्व, और फिर मैंने क्या बताया उसके अंदर टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन तीन प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बता देता हूं अभी। ठीक है जी, आप कंफ्यूज मत होना, जल्दी से बता देता हूं, दो मिनट में आपको बता देता हूं, देखो बेटा यहां पे जल्दी से देख लो, टॉपिक छोटा ही टॉपिक है। ठीक है, कार्ब धनायन के प्रकार,
टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ कार्बो कैटाइन। तो तीन प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है प्राथमिक कार्बोकैटाइन, प्राथमिक कार्बोकैटाइन, इंग्लिश वाले को मैं ऐसे लिख देता हूं, प्राथमिक होता है बेटा। दूसरा होता है बेटा, ध्यान देना जी भाई, भी इंपोर्टेंट है बेटा, द्वितीय कार्बोकैटाइन, द्वितीय कार्बोकैटाइन, ठीक है जी, इंग्लिश बताऊंगा अभी, नो टेंशन आप। और एक होता है तृतीय कार्बोकैटाइन, और लास्ट में मैथिल कार्बोकैटाइन होता है, तृतीय कार्बोकैटाइन। वैसे तीन ही प्रकार के होते हैं बेटा ये मुख्यतः, एक और बता देता हूँ, एक होता है मैथिल कार्बोकैटाइन, मैथिल कार्बोकैटाइन, मैथिल कार्बोकैटाइन, इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बो कैटाइन, ठीक है जी, इसको बोलते हैं टर्शरी, टर्शरी कार्बोकैटाइन, यानी टर्शरी सी प्लस लिख देता हूँ सभी के ऊपर, आप लिख लेना वो, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, एस सी सी प्लस, इसको बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी सी प्लस, ठीक है बेटा। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, सी एस थ्री सी एच टू प्लस, इसकी क्या होती है जनाब, सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री, और प्लस का चार्ज यहाँ पे होती है सी एस थ्री सी सी एस थ्री, और यहाँ पे होती है सी एस थ्री पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होती है सी एस थ्री पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको प्राथमिक मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा हो, यहाँ पे देखो सी एस थ्री एक ही कार्बन है बेटा, दिख रहा है मोटी मोटी आंखों से, प्यारी प्यारी आंखों से, मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, यहाँ पे देखो एक ही जुड़ रहा है कार्बन से, एक ही जुड़ रहा है, तो ये प्राथमिक हो गया एक कार्बन, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री, क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री। यहाँ पे कितने कार्बन है, दो है, कितने हैं दो, एक दो, तो उसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री, क्या बोलेंगे 2 डिग्री। यहाँ पे तीन है, एक तीन तीन एल्किल समूह है, एक दो तीन, और यहाँ बोलेंगे 3 डिग्री। तो मैंने आपको डिग्री भी समझा दी, यानी कितने कार्बन से ज्वाइंट हो रहे, कितने कार्बन से जुड़ रहे। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, और आप स्क्रीन शॉट ले बेटा।